सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। हाउ मच वॉटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट। अब देखो मैं बताऊं, पानी से रिवर से वॉटर फ्लो हो, पाइप से किसी स्पीड में पानी निकले, ठीक है, एक स्विमिंग पूल में पानी जा रहा हो, एक टैंक भर रहा हो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो याद रखना आपको वहां पर जो लेंथ ऑफ वॉटर होगा या जो लेंथ ऑफ रिवर होगा वो निकालना होता है। और वो निकलता है सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूले से। आपने डिस्टेंस में फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्वेश्चन का मैं बिल्कुल आपको की पॉइंट बता दे रहा हूं, अगर आपको ये याद रह गया तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन, इवन 10th क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से बनाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस बनते नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन ना बेटा हमेशा ऐसे ही फ्रेज होके आता है। अब वो चाहे वो रिवर के इस पे पूछे, पाइप के इस पे पूछे, किसी के भी इस पे पूछ सकता है। वो रिवर की जगह पाइप लिख देगा तो भी आपको बनाना बिल्कुल सेम ही है। आप चेक करो, अब पाइप अगर देगा बाई चांस तो लेंथ ब्रेथ की जगह डायमीटर दे देगा। आ रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो समझो, इस चीज को समझो। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नाउ, आपको यहाँ पर डेप्थ दिया है, रिवर इज 3 मीटर डेप्थ। का मतलब मैं ये मान लू कि मुझे हाइट मालूम है कितना, 3 मीटर, और 40 मीटर वाइड, तो मुझे ब्रेथ दिया है कितना, 40 मीटर। नाउ वॉटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक नदी है, वो बह रही है, वो बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी वो लेंथ अचीव करेगी 2 किलोमीटर इन 1 आवर। ये चीज को समझना पड़ेगा, 2 किलोमीटर में वो लेंथ अचीव कर रही है इन 1 आवर। तो पहले आप ये देख लो कि कितने टाइम के लिए आप उस पानी को देख रहे हो। 1 घंटे के लिए तो देख नहीं रहे होगे, 1 घंटे के लिए देखोगे तो 2 किलोमीटर लेंथ हो जाएगी उस वाटर की। आ रहा है ना? तो देखो, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। आप 1 मिनट में वो कितना लेंथ अचीव करेगा ये वाटर, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो, आपको ये दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में ये स्पीड दिया है आपको, देखो स्पीड बोल दो या वेलोसिटी दी हुई है, ये आपको 2 किलोमीटर पर आवर, बोलो करेक्ट है? यस सर। ना अब हमको क्या करना है ना, हमको 1 मिनट का निकालना है। तो भाई 1 मिनट में ये कितना पानी निकलेगा, तो पहले ये आर को मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं यहाँ पर। तो देखो, अगर मैं इस आर को मीटर मिनट में कर देते हैं और ये किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं, थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा। तो अब तुम बताओ, अगर मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, बोलो करेक्ट है? यस सर, 2000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, हमको 60 मिनट हो जाएगा। अब मैं सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ उसको, है ना, इमोशनल मत हो जाना, सेकंड में कर दिया, सेकंड में करने से कोई मतलब नहीं है, फिर इसको भी सेकंड में जबरदस्ती करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ऐसे ही रखो, मीटर पर मिनट में ही रखो इसको। अब मुझे ये बताओ, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 2, 3, 6, तो भाई स्पीड आ गई हमारी 100/3 मीटर पर मिनट, बोलो राइट और नॉट? यस सर। नाउ हमको कितने टाइम के लिए देखना है बेटा उस वाटर को, इन अ मिनट का मतलब होता है आपका टाइम 1 मिनट दिया हुआ है, करेक्ट है? तो अगर मुझे स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? तो यहाँ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, एस निकाल लेते हैं और डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, बोलो करेक्ट है? तो भाई स्पीड है 100/3, मिनट है, अगेन इसमें 1 मिनट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये मीटर में आएगा, बोलो करेक्ट है? तो स्पीड, तो डिस्टेंस कितना आ गया बताओ जरा, 100 मीटर, 100/3 मीटर। कोई डाउट किसी को?
इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर वो रिवर इस स्पीड से उस रिवर में पानी बह रहा होगा तो 1 मिनट में वो कितने कितना लेंथ कवर कर लेगा, वो पानी कितना लेंथ कवर कर लेगा, दैट इज 100/3 मीटर, करेक्ट है? यस सर। फ्रैक्शन में आप भी नहीं करना लास्ट तक, आप पहले सॉल्व कर लो, आखिरी में सेक्शन में फ्रैक्शन में कर लेना। ये डिस्टेंस ही बेटा लेंथ है, लेंथ मेरे को नहीं दी हुई थी, लेंथ निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो मुझे लेंथ मिल गया। अब अगर मुझे रिवर का डेप्थ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, लेंथ मालूम है, तो इतने लेंथ तक क्या मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ? यस सर, 100/3 × 40 × 3। तो मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ 4000 लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट व्हिच इज नथिंग बट 100/3 इनटू 3 इनटू 40 100/3 × 40 इनटू तो 3 and 3 विल गेट कैंसिल आउट, तो ये आ गया 4000 क्योंकि सब चीज मीटर में था तो मीटर क्यों आया, क्या समझ में? यस सर। एक बार हेडिंग डालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हेडिंग डालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यार ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ? देखो अगेन, देखो वॉल्यूम इज नथिंग बट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बता चुका है ये बात कि वॉल्यूम का डेफिनेशन एक ही होता है, दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। अब एक सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इसको भी आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा देखो, एक सिलेंडर अगर कहीं पर भी हम रखते हैं तो यार वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है जरा बताओ? उसका बेस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता ही, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया मींस हाइट, टॉप एरिया कर सकते हैं इसमें। चलो देखो, यहाँ देखो, मान के चलो ये एक सिलेंडर है ना, मान के चलो है ही ये सिलेंडर देखो दिख रहा है ये सिलेंडर एक, यस सर। नाउ मैं इसको कहीं पर भी रखूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको एक टेबल में रख दिया, सपोज कर लो एक टेबल में रख दिया है ना, ज्यादा टेबल पे 3D बना लो, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो यार ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पहले देखो, इस टेबल पे इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है जितने पोर्शन पे ये रखा हुआ है, बोलो करेक्ट है? Yes, पहले तो इसका बेस एरिया, क्योंकि इसका बेस जो है ये टेबल से टच है, क्योंकि वॉल्यूम का डेफिनेशन होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये टेबल पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है जितना area. इसका सर्कुलर एरिया है बेस का, बेस एरिया दैट इज बेस एरिया, और बेस एरिया सिलेंडर का I R square. ठीक, तो ये टेबल में कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, और कितने हाइट तक ऑक्यूपाई करके रखा है, एच हाइट तक ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, टोटल कितनी जगह घेरा है इसने, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले बताओ आया क्या समझ में? Yes, sir. चलो देखो, तो यहाँ पर से हमको ये समझ में आया भाई कि अगर यहीं पर लिख देता हूं मैं, ये बना हुआ है अच्छे से 3D मेरे पास यहाँ पर, तो याद रखना अगर आप लोग ऐसी रफ डायग्राम बना लेना सिलेंडर का जैसे बनाते हो 2D में, तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बॉटम एरिया प्लस बट इक्वल टू बेस एरिया, जैसा लिखवा रहा हूं पूरा लिखना, एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट में मत लिख देना, इट इज बेस एरिया रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेटा फटाफट बनाओ, देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर बना रहे हो ना, अरे फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सोचा बता देता हूँ।
नो नीड बना रहे हैं। इंटेलिजेंट हो गए हम, बन जाएगा इंटेलिजेंट हो गए, अच्छी बात है, बनाओ। नाउ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलैंड्रिकल वेसल इज 132। इंटेलिजेंट तो ठीक है, सर्कमफेरेंस मालूम है ना क्या होता है? यस सर। 2πr। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्कमफेरेंस दिया है which is equal to 2πr, which is equal to 132 centimeter. So it is 2πr is given to you. 2πr is equal to 132 centimeter. तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? Radius, है ना? Yes, yes sir. Calculate करो. और हाइट भी दिया है, एच दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। आपको हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, आपको लीटर में आंसर कैलकुलेट करने बोला है। बढ़िया, मल्टीप्लाई करोगे यार, है ना? तो ये याद रखना, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर is equal to 132 centimeter. अब मैं ना यही cancel कर देता हूँ, देखो 2 1s are 2 6s are 12, 1 2 6s are again, हाँ देखते हैं, again 22 से direct कट जाएगा, 22 3s are 63, correct है? आजू बाजू है, बढ़िया बन रहा है, काट और फिर ये 7 इधर लेके जाओ, तो r is equal to 3 into 7, तो r is equal to 21 centimeter. रेडियस आ गया, हाइट आपके पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, भाई निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच, ये भूलना मत, है ना? भूल भी गए तो पेन को पकड़ के ऐसे टेबल पे रख के देख लेना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो भाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले बस नहीं भूलना आप एग्जाम में, तो आपसे क्वेश्चंस तो आराम से बनेंगे, ये yes, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बस ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनटू 21 इनटू 21 इनटू 21 इनटू 25। अगेन कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे बेटा, करो जल्दी करके दो मुझे, 7 3s are 20, तो 22 into 61 into 25। प्लीज यहाँ ध्यान दो, चलो छोड़ो उसको, प्लीज यहाँ सामने ध्यान दो, 1 liter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, वॉल्यूम का सबसे बड़ा यूनिट हमने पढ़ा मीटर क्यूब, उसके बाद होता है लीटर, और फिर उससे छोटा होता है सेंटीमीटर क्यूब, याद रहेगा ये? देखो 1 liter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ कि लीटर जो है सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा है, ठीक है? अब देखो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में करना है, ठीक है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दो, तो बताओ वॉल्यूम डिवाइड करना पड़ेगा 34.65 सर अपॉन 1000, तो ये हो रहा है 34.65 liters. That must be your answer. Is that clear to you? Yes. ये देखो, please सामने देखो ना, 9th class सामने देखो, 2 minute के लिए फिर बनाना आप लोग. देखो this one is pipe. दिख रहा है? Yes sir. Now अगर आप इस पाइप को एक पर्टिकुलर सरफेस में से रखोगे, तो पाइप का वॉल्यूम कितना होगा? अब इसको इक्विवेलेंट टू सिलेंडर का वॉल्यूम मत समझ लेना, पाइप का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम अलग अलग होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी पाइप को एक सरफेस के ऊपर रखोगे तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, सरफेस पे कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर, हाँ थिकनेस का एरिया बेटा, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ थिकनेस। याद रखना पाइप के केस में जिस बेस पे वो रखा होता है, तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थिकनेस, थिकनेस का एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे बताया आपको मैंने, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का, इससे आपको एरिया ऑफ थिकनेस मिलेगी, और थिकनेस के एरिया से अगर आप हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ पाइप। आ
आ रहा है समझ में क्या बोला? थिकनेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ पाइप, और अगर वॉल्यूम निकल गया तो आपका कॉस्ट भी निकल जाएगा। जिनसे बन रहा है बनाओ, बाकी लोग मेरे साथ बनाओ धीरे धीरे। चलो स्टार्ट करते बनाना। सर रुक जाओ, बन गया, बन जाए सब बन गया है क्या? हाँ तो सीधा एरिया वॉल्यूम निकल जाएगा ना, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। नाउ इनर डायमीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो जो चीज गिवन है, आपको भी लिखनी चाहिए, एग्जाम में आपको गिवन के मार्क्स मिलते हैं। नाउ गिवन है इनर डायमीटर, इनर डाया दिया है बेटा कितना 24 सेंटीमीटर, और आउटर डाया दिया है। पहले मैं क्वेश्चन से जो जो डेटा है वो लिख लेता हूं यहाँ पर। आउटर डाया दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पाइप यानी हाइट दिया है हमको 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मास ऑफ द पाइप हमको निकालना है। मास हम हमेशा केजी में निकालते हैं ना, तो मास हमको निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हमको दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का जो मास है वो 0.6 ग्राम। ये सारी चीजें जो है वो आपको क्वेश्चन में दी थी। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनल एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो आउटर रेडियस दिया है बेटा, आउटर रेडियस आपको मालूम है, आपको इनर रेडियस भी मालूम है, इनर रेडियस भी मालूम है। तो देखो एरिया ऑफ थिकनेस मैंने आपको बताया था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ थिकनेस कैसे निकलता है, हाँ कैसे निकलता है, पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये लिखवाया हूं आपके कॉपी में, नोट करके लिखवाया हूं मैंने आपके कॉपी में, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो देखो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एरिया ऑफ थिकनेस ही निकाल लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ थिकनेस आ जाएगा, इसको एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं कई लोग, मैं थिकनेस बोल देता हूं। एरिया ऑफ थिकनेस, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है इनटू, अच्छा बताओ कैपिटल आर कितना है यार, रेडियस आर कितना हो जाएगा सर? आर वन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। 14 आ रहा है सर, 24/2, और स्मॉल आर इनर आ जाएगा आपका 24/2 विच इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर, और आर है आपका 14 का स्क्वायर, आउटर 14 क्या प्रणव, इनर है 12 का स्क्वायर। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर, बेटा कितना हो गया 52 तो लिखा हूँ ना, एरिया ऑफ थिकनेस है आपका 1144 आएगा सर, वो मल्टीप्लाई का 52, और हाइट कितनी है बेटा बताओ जरा, 35 7 5 35, प्लीज मल्टीप्लाई इट। अब मैं नहीं करूंगा कुछ मल्टीप्लाई, तुम ही लोग करो, तुम ही लोग बताओ सर। 110 × 52, वाह प्रणव, एक साथ करके बताना है तीन, अच्छा तीन सर, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट है? यस सर, यस सर, सही आ रहा है 5720, ठीक है बढ़िया सबका। अच्छा यहाँ तक कहीं किसी को डाउट ऑनलाइन वालों में? नो सर, नो सर, श्योर बेटा सबको आया अच्छे से समझ में? यस सर, यस सर, बढ़िया। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गया, कॉस्ट निकालना, तो तुम तो ऐसे ही निकालोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट 0.6 ग्राम, ए कॉस्ट बोलता हूँ, मास निकालना है। मास तो 1 सेंट, आज बड़ा मैं बोला ना, आज मैं नींद में हूँ थोड़ा सा, होगी मिस्टेक उससे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 0.6 ग्राम,
तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा बेटा, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद पॉइंट, मल्टीप्लाई इट 3.432 kg, 3432 ग्राम, 5720 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करना है मुझे, तो उसको मैं 6432 ग्राम, ठीक है रुक जाओ बोलने तो दिया करो मुझे, ये मास आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 572 कितना आ रहा है ये बताओ, 3432 ग्राम। अब अगर मैं इसको केजी में लिखना चाहूं तो भाई ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू केजी, तो दैट इज 3.432 केजी। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। खुद से बनाओ इसको। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, एल एस एज नथिंग बट सी एस ए बेटा, लिखवा चुका हूं आपको, लेटरल सर्फिस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट कर्व सर्फिस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच दिया हुआ है आपको, रेडियस निकाल, हाइट भी दी है, वहां से रेडियस निकलेगा फिर वॉल्यूम निकलेगा, प्लीज जल्दी कैलकुलेट करो। गिवन एल एस ए दिया है आपको, एल एस ए बोलो उसको और सी एस ए बोलो एक ही बात है ना, इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर निकालना है और वॉल्यूम, देखो यहाँ पर यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इस बात का ध्यान रखना, अदरवाइज ऐसा पता चला कि पूरा बना लिया और बाद में आपको लग रहा है कि अरे पाई की वैल्यू मैंने 22/7 ले लिया, ऐसा होता है, तो प्लीज ध्यान रखना ये ब्रैकेट में लास्ट में दिया होता है, इस बात का ख्याल रखना आप लोग, हुआ ना होता है ऐसा होता है लगभग बहुत लोग के साथ होता है, तो प्लीज ध्यान रखना, मेरे साथ भी हुआ था सर, अभी 22/7 लेकिन उसको कैंसिल करके वापस से 3.14 लिया, इसलिए मैं बोला ना तो बनाते वक्त थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, लास्ट तक रीड करो, पूरे गिवन डेटा लिख लो उसके बाद ही बनाना चालू किया करो, हड़बड़ नहीं करना क्वेश्चन बनाने, हुई है गलती में से ये 94.2 एलएसए दिया हुआ है आपको, 2 इनटू 3.14 लेना है, रेडियस आर लेना है और हाइट हमको गिवन है इट इज 5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा आपका, चलो देखो 94.2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10 होता है और 10 इंटू 3.14 करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, बोलो करेक्ट है, yes, sir. तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालू तो 94.2 अपॉन 31.4 तो पॉइंट और पॉइंट तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 942 अपॉन 314 करेक्ट है, यस सर, जब मेरे ख्याल से पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाँ। थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती है कैलकुलेशन करने में, ध्यान दो इधर, आर इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक, अब आर एक बार 3 सेंटीमीटर आ गया, फर्स्ट बीट हो गया क्वेश्चन का, फर्स्ट बीट हमको यही तो बोला था रेडियस ऑफ बेस निकालने, और सेकेंड बीट में आपको वॉल्यूम निकालने बोला है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एच है 5, अब ये कैलकुलेट आप लोग करोगे भाई, ये नहीं कर सकूंगा मैं, करो सेंटीमीटर क्यूब, ओके यही बोला था निकालने, okay, yes, sir. बन गया ये भी क्वेश्चन आपका, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, मार्क क्वेश्चन नंबर 5th एज अ वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन नंबर 5th एज अ वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द स्कूल, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आता है ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपसे सब करा लेगा है ना, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर, वन नाउ देखो कैसे बनेगा ये, इट कॉस्ट रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल व्हिच इज 10 मीटर डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर
फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। इसमें ना आप लोग वैसा ही बनाना जैसे मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि आप एक फॉर्मूला बना सकते हो कि भाई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट राइट, इट इज इक्वल टू टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। बताओ, यही बताया था मैंने? Yes, sir. है ना, मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. और यही फॉर्मूला का यूज करके आप अभी इस क्वेश्चन को बनाओ। 110 आ गया उसका इनर कर्व सरफेस। क्वेश्चन में यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी दी है? मेरा आ गया 2200 राइट। नाउ टोटल एरिया हमको निकालना है, और ये जो कॉस्ट है ये किस चीज की पेंटिंग करने की कॉस्ट है? इनर सीएसए, है ना। ये जो एरिया लोगी ये क्या लोगे बेटा? इनर सीएसए। इनर सीएसए हम कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है? 20 रुपीज 20, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा इक्वेशन? 2200 मस्ट बी इक्वल टू, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, 0 एंड 0 कैंसिल आउट, अगेन 2 1 सा 1 सा और 0। तो बताओ एरिया कितना आ रहा है? 110 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया याद रखना, ये ए, ये इनर सीएसए है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसको मेंशन कर देता हूं, इट इज इनर सी एस ए। सेंटीमीटर में दी? अच्छा मीटर में दी है, ठीक है। तो इट इज 110 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, और क्या निकालने बोला था इसमें? सेकंड रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ बेस। अब रेडियस ऑफ बेस कैसे आओगी? इनर सी एस ए आ गया है। बताओ इनर सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई स्मॉल आर एच इज इक्वल टू 110। अब मुझे क्या बताओ? अब बताओ यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। हाइट दी हुई है आपको क्वेश्चन में? 10 मीटर। ये गिवन में ही दिया है हाइट आपको कितना? 10 मीटर। तो रखो इसमें, निकालो पाई कितना रखना है? 22/7 नहीं लिखा है तो फिर 22/7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और एच कितना है? 10 मस्ट बी इक्वल टू 110। देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है करो, 0 से 0 गेट कैंसिल आउट, करेक्ट है ना। अगेन 11 1 11 11 2 22, तो यहां से निकालो आंसर, आर कितना आएगा बताओ? इधर 7 चला जाएगा और 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4 7/4 आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, थर्ड क्या बोला है बताओ जरा? वॉल्यूम। हाँ, थर्ड वॉल्यूम निकालो। अब आप लोग ये मालूम है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच? यस सर। देखो मैं बता रहा हूँ, कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। चलो देखते जाओ यहाँ पर मेरे साथ, एच दिया है आपको 1 मीटर। अब अच्छा लगा यार, तो भारी भारी लगा था। वॉल्यूम दिया है कितना? 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? सीधी बात है, closed cylindrical vessel बनाना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी closed cylinder बनाना है, तो उसके लिए आपको TSA उसका निकालने बोल रहा है, करेक्ट है ना। अगर आपको एक closed cylindrical vessel निकालना है, उसके लिए कितना square metal sheet लगेगी, इसका मतलब आपको TSA निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में? Yes, sir. आंसर करो बेटा फटाफट, क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। नाउ मुझे ये बताओ, दिया है हाइट, दिया है हाइट मीटर में दिया है, तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना, दैट्स बेटर ऑप्शन। तो वॉल्यूम हो जाएगा 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो करेक्ट है? Yes. और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच मस्ट बी इक्वल टू 115.4 अपॉन 1000। पाई की वैल्यू कितना लेना है?
तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, रेडियस निकालना है हमको तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 1 मीटर, मस्ट बी इक्वल टू 154 अपॉन 10,000 लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। नाउ अब एक काम करते हैं, आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10,000, बोलो करेक्ट है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, यहां तक सबने कर लिया था? Yes, sir. अब आप जरा चेक करो क्या ये 22 और 154 कैंसिल हो रहा है क्या? 2 and 14 by 11 उसे कैंसिल कर लो, 2 1s are 1s are और ये हो जाएगा 2 7s are 14, 1 2 7s are 14, क्या बात है, तो बहुत अच्छा हो गया, 11 7s are 77, तो हमारा फाइनली आर स्क्वायर निकल करके आ रहा है 7 into 7 अपॉन 10,000, ये बहुत अच्छी वैल्यू है, इस 10,000 को ब्रेक करके मैंने 100 into 100 लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये जब स्क्वायर स्क्वायर रूट बनेगा तो बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा, ये आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया और 200 में से 100 बाहर आ गया, आ गया 0.07 meter, is that clear? Yes sir. आपको, अरे नहीं हमको तो टोटल सरफेस एरिया पूछा था। Yes sir. ये बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये से निकालना है तो इट्स TSA will be, सिलेंडर का TSA क्या होता है? R times of R plus H, करेक्ट है? 2 pi r r plus h, 22/7 पढ़ाते पढ़ाते मेरी कॉफी ठंडी हो गई, 7/100 into रेडियस है 0.07 प्लस हाइट कितना है 1 मीटर, राइट? यस सर। 7 एंड 7 गेट कैंसिल आउट, तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 into 22, 44/100 यानी ऐड करो ये कितना आ रहा है, इनटू 1.07, करेक्ट है? तो ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 44 into 107, ये करना आसान है, अपॉन 100 into 100, करेक्ट है? अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को ऊपर शिफ्ट करके डेसिमल में लगा देंगे, खत्म। यस सर। ठीक है, 44 into 107 करके बता दो। 4708 ये ऊपर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4708 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, आया समझ में? Now move on to the question number 7, which is a very good question. Now देखो क्या दिया है? A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Pencil को imagine कर लो, pencil के बारे में बता रहा है आपको कि pencil के बाहर वाले portion में wood होता है और अंदर वाले portion में graphite होता है. The diameter of the pencil is 7 mm. And the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite. हमको volume of wood अलग निकालना है और volume of graphite अलग निकालना है. Yes sir. लेकिन इस question को थोड़ा सा आपको imagine करना पड़ेगा. देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. Please सामने देखो सबके सब. देखो ये एक पेंसिल है, जूम करके बना रहा हूं, इमेजिन कर लेना कि पेंसिल है ये पूरी पेंसिल, मैंने अपनी 3D में आपके लिए यहाँ पर पेंसिल बना दी विद इन अ मिनट, ये भी टैलेंट है। नहीं नीप, बिना नीप के पेंसिल ऐसे ही होती है ना, तो बाद में शार्प। अच्छा प्लीज 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 अब देखो यहाँ पर, अब हमको करना क्या है ना, ये देखो ये आपका ग्रेफाइट वाला पोर्शन है, ये पूरा
और जो ब्राउन वाला है वो वुड वाला पोर्शन है आपका। बोलो क्लियर है ना? क्या क्या दिया है मुझे एक एक करके बताओगे क्या? डायमीटर ऑफ अ ग्रेफाइट ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। रुकना सर, रुकने का समझते हो क्या मतलब? हाँ बताओ पहले क्या दिया है? डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर। पेंसिल का टोटल डायमीटर दिया है कितना? 7 एम एम। और उसके बाद बताओ और क्या दिया है? डायमीटर तो ग्रेफाइट का ये जो डायमीटर है ये 1 एम एम दिया है। और लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंसिल यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। ठीक है और कुछ नहीं दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है और वॉल्यूम ऑफ लेड ये ग्रेफाइट निकालना है। यार ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप एक काम करो, सबसे पहले ना आप ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालो जो कि सबसे इजी है। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं भाई रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। पहले मुझे ये बताओ रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 mm। बोलो करेक्ट है? अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 upon 20 centimeter। राइट और नॉट? यस सर। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो अगर mm से सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 upon 20 centimeter हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? यस सर। तो नहीं आया सर में तो ऐसा समझ लो कि भाई 2 into 10। आ रहा सर में? mm को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 upon 20 centimeter। क्लियर है? रेडियस आ गया। अच्छा हाइट ऑफ ग्रेफाइट तो उतनी ही रहेगी जितनी पेंसिल 14। तो बताओ एच कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ वॉल्यूम निकाल लोगे अब यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट अगर मैं आपको बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। एक सॉलिड सिलेंडर है ये ब्लैक कलर का पूरा, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो डेट इज नथिंग बट पाई कितना लेना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। आर कितना है? सर वॉल्यूम 0.11 सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1/20 इनटू हाइट कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब देखो आप कैंसिल करो बिल्कुल अच्छे से, 0.11 centimeter। कुछ फिर क्या मतलब है? हर बार वही बोल रहा हूँ तो हर बार वही काउंटर कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अगेन ये 2 ones are 2 zeros जा मत काट बेटा उसको, देख ये 2 ones are 1 zero कर लो ऐसा करना। तो मेरा वो भी 11/100 ना। अरे वो एक ही बात है लेकिन मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आसान करना सिखा रहा हूँ, आएगा तो वही ना। और क्या आएगा? 0.11 centimeter cube आया, ये आ गया 11/100 cube। मत करो अभी उसको, पॉइंट में मत करो, डेसिमल में लास्ट में करने की आदत रखा करो। स्टार्टिंग में डेसिमल में करने से ना हार्ड हो जाता है, तो अब लास्ट में कर लेना 11/100 centimeter cube। इज दैट क्लियर टू यू? आया सर। अब मुझे तुम बताओ वॉल्यूम ऑफ वुड अगर मुझे निकालना है, ये ब्राउन कलर का जो आपको पेंटिंग दिख रही है वो वॉल्यूम ऑफ वुड है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए पूरे पेंसिल के वॉल्यूम से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। आया समझ में? तो आप एक काम करो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालो पहले। चलो निकालो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, यहाँ स्पेस है मेरे पास, तो यहां हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा? अगेन पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ पेंसिल का रेडियस कितना दिया है? 7 mm। कितना हो जाएगा? 7 upon 2। 7 upon 20 क्योंकि सेंटीमीटर में करना पड़ेगा ना, तो 7 upon 20 ठीक है इंटू 7 upon 20 इंटू हाइट ऑफ पेंसिल सेम रहेगी बेटा कितना 14। बोलो क्लियर हुआ?
49/100 जिसका नहीं आया यहाँ पर लिख लो आप रेडियस ऑफ पेंसिल करके लिख लो, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे रिवीजन करते वक्त। 7/20 सेंटीमीटर। नाउ ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 गेट कैंसिल आउट, और भी चीजें कैंसिल हो रही है। सर 49/100 वन जा अगेन टू वन जा जीरो टू सेवन जा 14, तो ये आ रहा है 7 7 जा 49, तो 11 इंटू 49/100 कितना आ रहा है, 11 इंटू 49/50 नहीं, 10 10 से 100 आ रहा होगा, 11 इंटू 49/100 अरे हाँ सर हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, 539 या सर 539 और 100 सेंटीमीटर क्यूब आया समझ में। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड निकालो, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब देखो बहुत इजी है, आपका बेस बिल्कुल सेम है तो फट से माइनस हो जाएगा, है ना, तो करो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड, निकालो जल्दी से। आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में इस क्वेश्चन में, है ना, मैं बस आपके समझाने के लिए बनाया था, अदरवाइज एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड, मेरे ख्याल से वॉल्यूम ऑफ वुड आपका आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ओरली सॉल्व हो रहा है, माइनस करना है तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा। पहले बताओ इस क्वेश्चन में एनी डाउट, नो सर, श्योर बेटा सबको आया अच्छे से समझ में, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, यस सर बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है ये, तो प्लीज 8 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बना के आना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वॉल्यूम ऑफ कोन स्टार्ट करूंगा।